ठीक है। अब देखो, यदि मान लीजिए ये इंटेंसिटी को आपने बढ़ाया, ठीक है, बढ़े हुए इंटेंसिटी के लिए भी यदि आप ऐसा करते हो और पोटेंशियल को कम करते हो, तो ये इस तरह से वहीं पर जीरो होगा, उसी एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल पर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखिए, इस इक्वेशन में आप देखो, इन दिस इक्वेशन यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक। अब इसको अपन ने बनाया तो एच बाय ई न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इस इक्वेशन में, वहां से इसको लाया भाई, इस इक्वेशन में वी एस केवल न्यू पर डिपेंड करता है। न्यू नेट तो कांस्टेंट हो गया, एच कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट हो गया, है ना, राइट। अब देखो, इसी को अपन आगे बढ़ा करके कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये इसको सी के टर्म्स में और लेमडा के टर्म में लिखेंगे ना, तो दैट विल बी एच सी अपॉन ई, ठीक है, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल, यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इन वोल्ट, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? वोल्ट में आ जाएगा। इसको किस में रखना है? एंगस्ट्रम में रखना है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों कहां से आया है? इस इक्वेशन से आया है, ठीक है ना। अब देखो, यहीं पर आप समझोगे, यहीं पर समझोगे कि यदि मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वी अप्लाइड पोटेंशियल न्यू, ठीक है, ये सॉरी, ये क्या है, न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है ना। तो इस दोनों के बीच यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आवर ग्राफ विल बी, देखिए, ग्राफ बिटवीन वी एस एंड अप्लाइड पोटेंशियल न्यू, इस दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ किस तरह से आएगा कि ये देखिए जरा, वी एस को कहां लेंगे? वी एस को अपन ने यहां लिया, ठीक है, वी एस को यहां लिया, और इस इक्वेशन में देखो न्यू को यहां लेंगे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ग्राफ इस तरह से आएगा। देखिए यहां पे न्यू, और सॉरी, यहां न्यू को जीरो से स्टार्ट करोगे ना तो ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से नीचे से ग्राफ आएगा, नहीं आएगा नीचे से। देखो यहाँ पे ये न्यू, न्यू जीरो रखेंगे ना, ये न्यू जीरो रखा तो ये क्या आ जाएगा? एच ई माइनस एच ई बाई न्यू नॉट, तो ये इस तरह से ग्राफ आता है यहाँ पर, और न्यू नॉट पर ही यहाँ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ कैसे आएंगे? इस तरह से ग्राफ आएंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वी एस इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट, ये इस तरह से ग्राफ आएंगे, ठीक है। न्यू को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब यहां पर ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मटेरियल का वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राइट ना। यहाँ पर ये ऐसे लेंगे तो इसको इधर से ये इधर आ जाएगा वी एस इंटू ई, ठीक है, ये इधर नहीं आएगा और ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ओके, ये वर्क फंक्शन फाइव के बराबर होता है। ओके, अब आपसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर वन देखो जरा, यदि मान लो आपसे कहता है कि वी एस और
अप्लाइड पोटेंशियल वी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ इस तरह से है, दो इस तरह से ग्राफ है, ठीक है ओके, इस तरह से ग्राफ है। ये मटेरियल, ये मेटल वन है और ये मेटल टू है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वर्क फंक्शन एक दो नंबर का ज्यादा है यहाँ पर, है ना, एक नंबर का कम है। क्यों? क्योंकि यदि अपन इसको जैसे देखिए, इसको अपन ने ऐसे पीछे किया ऐसा, और इसको पीछे किया ऐसा, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी, ये फाइव वन को रिप्रेजेंट करेगा और ये फाइव टू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो हियर फाइव टू इज ग्रेटर देन फाइव वन, ठीक है। मेटल टू के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है और मेटल वन के लिए वर्क फंक्शन कम है, ठीक। यदि इसी तरह से कभी कभी एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देखिए, ये स्लोप पर डिपेंड करता है। यदि मान लो यहाँ पर ये वी एस और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के बीच में ग्राफ है, एक के लिए ग्राफ ऐसा है और दूसरे के लिए ऐसा है, ठीक है। अब इस दोनों में क्या माजरा है भाई, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, ये मान लो ये ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। इस दोनों में क्या मामला है, यहाँ देखिए जरा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे जाएगा, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना, समझ गए। ये एक नंबर का है, ये दो नंबर का है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये किसके लिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइव टू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइव वन को। इट मीन्स फाइव वन इज ग्रेटर देन फाइव टू, इस तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है ओके।